दोस्तों क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे समझदार जीव किसे कहा गया है? डॉल्फिन को मनुष्य के बाद सबसे समझदार जीव कहा गया है। डॉल्फिन एक छोटे व्हेल के समान ही दिखाई देता है और यह मुख्य रूप से नदियों एवं समुद्र में ही रहता है। धरती पर इसका जीवन मुश्किल होता है, इसलिए यह पानी में ही रहते हैं। डॉल्फिन बहुत समझदार जीव होते हैं और यह पानी में कभी अकेला नहीं रहते हैं, हमेशा यह ग्रुप में ही रहते हैं। इनके ग्रुप में 10 से 12 डॉल्फिन होते हैं जो आसानी से अपना शिकार ढूंढ पाते हैं। भारत में डॉल्फिन आमतौर पर गंगा नदी में पाए जाते हैं, जिसे हम गंगा डॉल्फिन भी कहते हैं, लेकिन अब भारत में इनकी संख्या बहुत कम हो गई है और ये विलुप्त होने के कगार पर है। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। डॉल्फिन आपस में एक दूसरे से बात करने के लिए सीटी बजाते हैं या फिर आवाज निकालते हैं, जो कि उनके कम्युनिकेशन का माध्यम है। डॉल्फिन की गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, जिससे कि वो पानी में अधिक तेजी से चल पाते हैं। पानी में वो 10 से 15 मिनट तक रह सकती है, इससे अधिक वो पानी में नहीं रह सकती, क्योंकि उन्हें सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ता है। डॉल्फिन पानी में सांस नहीं ले पाती है। इसे मनुष्य के बाद सबसे ज्यादा समझदार जीव कहा जाता है।